कोविड-19 का ये वेरिएंट पहले से भी अधिक घातक है। इससे बचाव के लिए बेहद जरूरी है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें। पहले हमारे घरों में प्राथमिक चिकित्सा के लिए एक टूल बॉक्स या टूल किट हमेशा रहती थी, जिसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते थे। आज हम आपको कोरोना से बचाव के लिए भी फर्स्ट एड बॉक्स या टूल किट के बारे में बताने जा रहे हैं। इस टूल बॉक्स में क्या क्या जरूरी दवाइयां या उपकरण हैं जो हमें रखना है, कृपया ध्यान से सुने और नोट भी कर लें। कोरोना से लड़ाई के लिए आपके इस फर्स्ट एड बॉक्स में 10 चीजें होना बेहद जरूरी है, जिसमें से पहली है थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम अपना टेम्परेचर नापते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें बुखार है या नहीं है। दूसरी जरूरी चीज है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर से घर बैठे ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जा सकता है। यदि हमारा लेवल 94 से 100 के बीच में है तो डॉक्टर कहते हैं ये ठीक है, लेकिन अगर 94 से कम आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तीसरी जरूरी चीज है स्टीमर या भाप लेना। चौथी चीज है पैरासीटामोल की टेबलेट का एक पत्ता। पांचवी चीज है एंटी एसिड टेबलेट का एक पत्ता और छठवी है एंटी एलर्जिक टेबलेट का एक पत्ता। इन सभी दवाइयों को लेने से पहले और इस टूल कोट को बनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नंबर 7, थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क पानी को गर्म रखता है और हमें दिन में 5 से 6 बार गर्म पानी पीना चाहिए। 8वां और जरूरी चीज है इम्यूनिटी बूस्टर, जिसे काढ़ा कहते हैं। आजकल बाजार में रेडीमेड काढ़े के पाउच मिलते हैं और घर पे काढ़ा कैसे बनाएं, इसके लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिंक हमने ऊपर दी रखी है। 9वीं चीज है हल्दी वाला दूध और 10वीं और जरूरी चीज है स्ट्रेच बैंड। स्ट्रेच बैंड से हम कई तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक्सरसाइज करने से हमारा इम्यूनिटी लेवल निश्चित रूप से बढ़ता है। इसके अलावा मास्क पहनना बेहद जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अति आवश्यक है। और सबसे बेहद जरूरी यह है कि इस समय अगर बहुत ही आवश्यक ना हो तो घर से बाहर न निकले। और इस फर्स्ट कोरोना के फर्स्ट एड बॉक्स को जल्दी से जल्दी अपने घर पर बनाकर रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी जरूर शेयर करें।